and gentlemen, it is an honor to have each and every one of you present here tonight. For the very first time, we present to you an extravaganza of diversity in rhythm, in sync, in our very own Swatantra Studio Live. Presenting to you, Jaro Ki Bheer. जाड़ों की भीड़ है, निकल कर जाए, गर्मी का काफिला बारिश की छींट के जुलूसों के साथ पतझड़ का कारवां खिलखिला जाए। Sunaye, wa wa wa,
इतिहास पुराना हो चला, इतिहास के साथ व्यक्ति पुराने हो चले। व्यक्ति कभी पुराने नहीं होते, क्योंकि व्यक्ति इतिहास के गुलाम नहीं होते, वो तारीखों के गुलाम नहीं होते। इतिहास को लोग किताबों पर छपी इबारतों के जरिए जानते हैं। व्यक्ति को जानने के लिए स्मृति के दरवाजों पर पड़ी एक ठकठक काफी है। तो अपनी स्मृति के दरवाजों को खटखटाइए, शायद कुछ याद आ जाए। माफ करना भाई, एक तो कुछ याद नहीं आ रहा और दूसरे शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची है कि जरूरत से ज्यादा जोर डालकर सोच सकूं। तकलीफ होती है। आप तकलीफों से कब से प्रभावित होने लगे? तकलीफों से प्रभावित होना इंसान का स्वभाव है। बाकी तो उसका जिंदा रहना इसलिए जरूरी है कि मर के वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि तकलीफें उसे कितना प्रभावित कर सकती है और कितना नहीं। वो फैज अहमद फैज का शेर पढ़ा है? कौन सा? कि दर्द इतना था कि हर हद से गुजरना चाहा, और जब याद की खोई हुई उन शम्मों में कहीं नजर आया एक नगमा तेरी दिलदारी का, तो मैंने उससे भी गुजरना चाहा, मगर इस दिल ने ठहरना चाहा। एक शेर मुझे भी याद है। कौनो एक?
वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है। सुना है आज मक्तल में हमारा इंतहा होगा, इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी और अपना आसमां होगा। कौन हो तुम? ये गुमनाम शायर का शेर है। मैंने पूछा कौन हो तुम? आज 1965 चल रहा है, सफदरजंग अस्पताल दिल्ली की इस इमारत में बैठकर मुझे याद आ रहा है कि आज से 40 साल पहले ये शेर जब्त कर लिया गया था लाहौर में। तुम लाहौर में थे? हाँ, मैं कानपुर में था। मैं पुणे में था। मैं कलकत्ता में था। मैं दिल्ली में था। मैं बंबई में था। मैं फैजाबाद में था। और मैं लाहौर में भी था। हाँ, मैं लाहौर में भी था। किस वक्त की बात कर रहे हो तुम? 1919 की 13 अप्रैल की, जिस दिन हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे खूनी बैसाखी मनी थी, जिस दिन बाप चीखा था, जिस दिन बच्चा चिल्लाया था, और जिस दिन लाहौर के लायलपुर जिले के गांव बंगा में अपनी कटी हुई फसल को देखकर एक मां बिफर कर बोली थी, ओ गांधी हमारे महात्मा, करते हैं हम अपने बचे हुए बच्चों को तुम्हारे सुपुर्द, फेंकते हैं उनकी नन्ही धड़कनों को तुम्हारी गोद में, ले जाओ इन्हें अपने साथ और बतला दो उन दूर के सौदागरों को कि आज के बाद पंजाब की हर बैसाखी का मिजाज कुछ और ही होगा। तरफ चार पांच थे। चोट काफी आई? हाँ, लगी तो है। मैंने आज सुबह डॉक्टर के पास चलने के लिए कहा तो बिफर गया कि सरकारी अस्पताल नहीं जाऊंगा और प्राइवेट में जाने के पैसे नहीं है, इसलिए ऐसे ही चल दूंगा। उल्लू दा पट्टा है। अरे उस मूवमेंट को खत्म हुए आज एक साल होने को आ रहा, अब सरकारी अस्पताल जाने में क्या दिक्कत है? साले अंधे होकर लड़ाई लड़ोगे? और तुम सब लोग कहां थे? प्रोग्राम तो हमारा भी था जाने का, तुझे सुबह से ढूंढ रहे थे, तू मिला ही नहीं। फिर शाम को लाला जी ने मीटिंग बुला ली। परसों बड़े चौक पे वॉइसरॉय का पुतला जलाया जा रहा है, जुलूस भी निकलेगा, इस वजह से हम नहीं जा पाए। फिर शाम को मालूम पड़ा वहां तो झगड़ा हो गया, तू कहां रह गया था? बेबे जी की तबीयत खराब थी इसलिए एकदम जाना पड़ गया, वापसी की सवारी नहीं मिली इसलिए सुबह आया। लेकिन तुम लोग मालूम तो कर रहे थे कि कहां के थे, सालों से बाद में ही नहीं पढ़ लेते? वो तो मालूम पड़ गया यार, ऑफिसर्स लेन के साहबों के लौंडे हैं, लेकिन अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। क्या? उन्होंने एफआईआर लिखवा दी है उल्टे उसके खिलाफ, अब कुछ किया तो झगड़ा बढ़ेगा। अब जितना बढ़ चुका है उससे आगे क्या बढ़ेगा, पर बढ़ेगा तो निपट लेंगे। पैसे मुइन है कहां? आपसे मिला था क्या भगवती भाई? मिला था लेकिन एकदम ही गायब हो गया, अब तो बस खुदा ही जाने की कहां होगा। मुइन मुइन, मैं तुझसे ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगा, एक लाइन में जवाब दे, उन लोगों के नाम नाम। जिम क्रेन और स्टीफन क्रेन, बाकी दो लोगों के नाम मैं नहीं जानता। ये ऑफिसर्स लेन के डेविड क्रेन के लौंडे तो नहीं? हाँ। ठीक सुख, थाने में एफआईआर में बाकियों के नाम भी दर्ज होंगे, सिर्फ तीन लोग काफी हैं इनके लिए। हॉकी सिक्स ले लेना, बाकी आप पे। ये साले रात को क्लब से लौटते दारू वारू पी के, पीपल मीनार के पास
बजा देना। ठीक। और देखना इनकी गाड़ी का एक कान सलामत ना बचे, बहुत नाज है ना उस पर। लेकिन पूरी बात तो सुन लेता यार, हो सकता है गलती इसी की रही हो। मेरी गलती? मेरी गलती? खैर तो मैंने बचाई, ये मेरी गलती थी। मैंने उसकी बहन और बीवी को बचाया, ये भी मेरी गलती थी। साले यहां बैठ के बकवास कर रहा है, वो चौड़े महल में तेरी दम निकल रही थी क्या? तो मुझ पर क्यों चढ़ रहा है यार? हर बात को दिमाग से सोचा जाएगा ना। उनका रंग सफेद है तो गलती हमेशा उन्हीं की होगी। ओ हाँ, उन्हीं की होगी। अब यूं तो हम कुछ भी कह सकते भगवती भाई। ए, हम नहीं कह रहे, ये वक्त कह रहा है। मुइन, बात क्या हुई थी बताओ। यशपाल ने बोला था जगमग पर फिल्म चलेंगे, शाम वाला शो, टिकट ले लेना। मैंने टिकट ले लिया। मैं वहां खड़ा हुआ इन सब का इंतजार कर रहा था कि अंदर से अचानक कुछ शोर सुनाई दिया। अंदर भागा तो मालूम होता कि वो चारों खैरू को जमीन पर पटक कर उसे लातों घूसा से मार रहे थे। उसकी बहन और बीवी उसके पास नहीं खड़ी थी, और उसकी बीवी की गोद में एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। ये खैरू वो तांगे वाला? हाँ वही। और मारते हुए इंग्लिश में बहुत ही गंदी बकवास किए जा रहे थे कि साले हमसे कोऑपरेट नहीं करोगे, तगाम कोऑपरेशन मूवमेंट चलाओगे, काले कुत्तों। वापस लेना पड़ा ना तुम्हारे उस बाप गांधी को, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करोगे। और उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद उस साले लंबू ने खैरू पर अपना कुत्ता छोड़ दिया। उसने उसका पूरा हाथ झंझोड़ दिया। वो चीख चीख कर बिलबिला रहा था। फिर जब उनमें से एक उसकी बहन की तरफ बिच कहता हुआ बढ़ा तो मैं रुक नहीं पाया। मैं उसके सामने आ गया। खैरू ने नेशनल कॉलेज के छात्र को कितनी बार लिप दिया अपने तांगे में। इस पर वो उसे छोड़कर मुझ पर टूट पड़े, मुझे लिटाकर मेरी नाक पर ठोकरें मारी। मैं अकेला पड़ गया था, इनमें से कोई वहां नहीं पहुंचा था। फिर बाद में पुलिस आई, उल्टा मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। फिर बाद में अब्बा आए, तब तो ही जाकर छोड़ा मुझे। पर मोइन, बात क्या हुई थी? खैरू गलती से अंधेरे में एक क्लास में घुस गया था, किसी से घुटना टकरा गया होगा, बस साले टूट पड़े। अब बोल भाई, आईसीएस की औलाद, गलती किसकी? हाँ, अब इसके हिसाब से तो गलती उन्हीं की लग रही है। आजकल गलतियों का हिसाब किताब बहुत देखने लग गया तुम, है ना? चल हो गया भाई, ये ले पानी पी। अब जो होना होगा हो जाएगा, वो भी सुनने की जरूरत नहीं, समझा? ठीक है, चलो। अरे लेकिन ये फिल्म की बात तो रह गई। बोलो आज चलते हो? हो जाए, हो जाए, हो जाए। लेकिन ये फिल्म है कौन सी? फिकर ना कर, चैपलिन या गार्गो की नहीं है ये, तेरी राजा हरिश्चंद्र वाल्मीकि की बननी चाहिए यार, इंडियन माइथोलॉजी पर और बननी चाहिए। हाँ बेटा, तो तुम्हारे देवता पिए तो कहला है आसव, और हम पिए तो कहला है विस्की। शिकायत कर देगा लाला जी से। लाला लाजपत राय वो महान स्वतंत्रता सेनानी। ये मूवमेंट के बाद लाला जी कुछ बदल नहीं गए भगवती भाई? हाँ, बस कॉलेज के बोर्ड पर एक नोटिस लगने की देर। 1922 के पवित्र भारतीय स्वाधीनता संग्राम में तुम ये कभी मत भूलो कि तुम एक हिंदू हो। अरे वैसे ये पीला पर्चा पड़ा है अपने येलो पैम्पलेट। येलो पैम्पलेट, ये क्या है? कुछ नहीं यार, सान्याल बाबू ने पुराने बिखरे हुए क्रांतिकारियों को इकट्ठा करके एक एसोसिएशन बनाया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसका टारगेट है आजाद भारत। उसका कॉन्स्टिट्यूशन जिस पर्चे पर छपा है उसे कहा जा रहा है पीला पर्चा, यानी येलो पैम्फलेट, समझे? वेरी गुड, यानी आजादी मिली नहीं और कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही बन गया।
क्यों नहीं बन सकता? वो अगर शादी नहीं की तो क्या घर पे सहरा भी छपा करना रखे? यार लेकिन मेरा तो इन ऑर्गेनाइजेशन पे अब कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। कभी होम रूल सोसाइटी तो कभी गदर पार्टी, और अब ये HRA, इससे होना जाना क्या है? तो और किससे होना जाना? यार भगत तू मान ना मान, ये कांग्रेस पिछले 30 सालों से टिकी हुई तो है। टिकी हुई है क्योंकि वो सिर्फ टिके रहना चाहती है। ऐसी बात नहीं है यार, वो काम भी करना चाहती है। तू सिर्फ इस नॉन कोऑपरेशन वाली बात को छोड़ दे। नॉन कोऑपरेशन वाली भी बात करते है ना, अब वहां थोड़ी दिक्कत आएगी। दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि तू भी उसका शिकार रहा है। इस कमरे में बैठे कम से कम 15 लोग उसके मारे रहे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पाया क्या? क्या पाया? हाँ हाँ कुछ नहीं पाया, लेकिन इसमें भी जनता का ही दोष है। अबे क्या क्या दोष है? भगवती भाई उस मूवमेंट की कुछ शर्तें थी, वो तोड़ी गई। उस बंदे ने मूवमेंट वापस ले लिया। चौरी चौरा की पुलिस ने निहत्थी भीड़ पर गोली चला दी, 25 लोग मारे गए। बदले में भीड़ ने थाने में आग लगा दी, पुलिस वाले जलकर मर गए। लोगों का दोष बतलाते हुए मूवमेंट वापस ले लिया गया है ना, तो थाने में आग लगाने की क्या जरूरत थी? अरे तो क्या उनके दरवाजे पे मत्था टेक के आगे बढ़ जाते? क्या कांग्रेस ही साहित्य पढ़ गया है मार्कन त्रिवेदी? फिजूल इल्जाम मत लगाओ, मैं भी उस मूवमेंट में कूदा था तुम लोगों के साथ। ओ बाप, ICS बेटे के पास करने के लिए कुछ नहीं ना, तो सोचा क्या करते हैं, एडवेंचर कर लेते हैं। तू तहजीब से बात कर सुखदेव, अपनी अपनी राय रखने का यहाँ पे सबको हक है। मैं आज भी कह रहा हूँ इस गांधी नाम के बंदे में कुछ बात तो है। बात तो है। मुल्क के 12-12, 13-13 साल के बच्चे जिस इंसान के लिए अपनी कच्ची उम्र में सड़कों पर उतर सकते हैं, उसमें बात तो होगी। क्या जोश था सब में, आंदोलन करेंगे। गांधी जी ने कहा है अंग्रेजों की पढ़ाई नहीं चाहिए, स्कूल छोड़ दो। बस्ते नालों में फेंक कर बच्चे तैयार, कॉपी पेंसिल किताबों में आग लगाकर बच्चे तैयार। अपने छोटे छोटे हाथों से पर्चे बांटे थे, तख्तियां उठाई थी, और फिर एक दिन अचानक सुबह सुबह मालूम पड़ता है कि आंदोलन वापस ले लिया गया। बच्चे मुंह बाए ताक रहे आसमान की तरफ, सरकारी स्कूलों के गेट उनके लिए बंद, सरकारी कॉलेज में उनका दाखिला मुमकिन नहीं। कहां जाए, क्या करे, किससे फरियाद करे? कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। याद है तुझे वो दिन? हाँ हाँ याद है, लेकिन मैं उस दिन भी इतना परेशान नहीं हुआ था। परेशान नहीं हुआ था? अरे साले कुत्तों सामान मिल बिलाते हुए आया था नारकली के होटल पर, जब क्या करूंगा, वो बाप जान से मार देगा। अरे पढ़ाई कैसी जारी होगी? तू फिजूल बातें मत कर और तहजीब से। चूल्हे ढीली पड़ गई थी समझा? इस कमरे के कम 15 लड़के रहे होंगे वहां उस दिन। गनीमत मना कि वक्त रहता लाला लाजपत राय ने हम जैसों के लिए नेशनल कॉलेज खुलवा दिया, वरना हाथ में कटोरा लिए दर्दर की ठोकरे खा रहा होगा तू, समझा? दर्दर की ठोकरे खा मेरी जूती, 50 को तो अपने घर पे आज भी नौकरी दे सकता हूँ। चाहिए किसी को, चाहिए? क्या बोला तू? नौकरी देगा हमको? अबे चोरी चोरा की सिपाहियों का पता तुझे याद है? उनका भी चुपकी गोलियों से मारे गए। अरे 3 साल पहले के जलियांवाला कांड को तो भूल गया? उन 1500 लोगों को तो इसलिए याद नहीं रखता क्योंकि उसमें तेरा बाप, तेरा भाई और तेरी बहन नहीं थे। This is too much, भगवती भाई। Nothing is too much. Nothing is too much. लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं मिस्टर गांधी, कि इस मुल्क के बच्चों के लिए क्या रास्ता छोड़ा है आपने? पगड़ी संभाल जटा, संभाल जट्टा उड़ी चली जाए रे, पगड़ी की गांठ पे कोई हाथ ना लगाए रे, पगड़ी की गांठ पे कोई हाथ ना लगाए रे। कोई हाथ ना लगाए रे, रोक दे
समझाया जो मैंने कहा था जी बाबूजी समझाया वो समझा भी फिर जी बाबूजी वो ऐसा कह रहा था कि अगर लड़की थोड़ी पढ़ी लिखी हो ओए खोते इत्या ओ बच्चों इत्या आओ बच्चों क्या पढ़ी लिखी कुड़ी नू फ्रेम में सजा के रखेगा तुम सबको साले से नेशनल कॉलेज में बिगाड़ा तुम और ये तुम्हारे गुरु लोग क्या लाला जी ने शादी नहीं की क्या लाला जी ने शादी नहीं की थी ना क्या विद्या अंकल अभी तक तो फुआरा है ओए हराम जादो अभी चार दिन बाद लाहौर दी गलियों में लौंडियों के लहंगे सुनते में मिलोगे ठीक है ठीक साला सरदार दा लौंडा है ना तो नट की भाषा ही समझेगा उसको तो मैं दिखाता हूँ ओए ओए भगवती तू मैनू सच सच बता हाँ बोल सच 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 बोल ये सुखदेव और यशपाल पिक्चर है जी अपना सब तो यहाँ नहीं यहाँ क्या जी ठीक ठीक वो तो जयगोपाल के साथ करनी है लाल बिल्डिंग ठीक उधर रहता है और यशपाल को तो हमने बाबा पता ही नहीं पता ही नहीं पता ही नहीं तेरे भी नहीं पता उसको भी नहीं उसको किसी को किसी को भी नहीं पता वो हराम बता दो तुम सबको सालों में जानते हो पिछवाड़े पे मार मार के तुम्हारी क्रांति ना निकाल दी तो मेरा नाम भी सरदार किशन सिंह बोल तो अर्जुन सिंह नहीं बाप रे बाप
आपको परेशान कर दिया। नायरों को पीछू ना, ऐसी बात नहीं है। दरअसल स्मृतियों पर इतिहास या राजनीति का बस नहीं चलता, इसलिए शायद वो स्मृतियां होती है। और जब व्यक्ति उम्र के खास पड़ाव पर पहुंच जाता है तो ये स्मृतियां ही उसे जिलाए रखती है। मैं उस वक्त लाहौर में नहीं था, लेकिन जितनी बार सुनता हूं नया नया सा लगता। आओ बैठो। मुझे अपनी जगह मालूम है, मैं खड़ा रहना पसंद करूंगा। लेकिन तुमको मैं अभी भी नहीं पहचान पाया। मैं खुद भी नहीं पहचान पाया। मेरे पास क्यों आए हो? इतिहास में तो ना मेरी कोई जगह है ना ही मेरा इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट तो उन लम्हों में है जो बहुत पहले ठहर गए थे और अभी तक ठहरे लगते हैं। उनमें से कुछ मीठे थे तो कुछ कड़वे। मीठे बांटने वाले तो बहुत मिल गए, कड़वों के लिए तुम इस बूढ़े के पास चले आए जो रीढ़ की हड्डी में कैंसर लिए अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा। जी हाँ, अपनी आंखों से देख रहा हूं कि जिस इंसान ने 20वीं सदी के तीसरे दशक में पूरा हिंदुस्तान हिला दिया था, उसको आज उसके वार्ड का जमादार भी नहीं पहचान पा रहा। मेरी अब ऐसी कोई ख्वाहिश भी नहीं है, और जब थी तब वो पूरी हुई, और तब उसका पूरा होना हमारा मकसद था, उद्देश्य था। मकसद आप लोगों का क्या था? वो दूसरों को हीन बतलाना, दूसरों को कॉम्प्लेक्स देना, अपने जोश और उत्साह के आगे दूसरों के व्यक्तित्व को कुचलकर आगे बढ़ जाना, पंडित चंद्रशेखर आजाद को हनुमान जी का अवतार बतलाना, सुखदेव को दूसरों का मखौल उड़ाने देना, भगत के इंटेलेक्ट के आगे दूसरों को बोना समझना, और किसी गैर जानकार को भाई बंपूलाट जैसे मजाक में उलझा कर रुला देना। तुम भाई बंपूलाट को भी जानते हो? लेट अस प्लेज आवर लाइव्स टू आवर कंट्री। क्या बात थी। लेट अस प्लेज आवर लाइव्स टू आवर कंट्री। हम अपने देश के लिए अपनी जान दे देंगे। ये डायलॉग आज किसी घटिया तीसरे दर्जे का फिल्म का नायक बोलना पसंद करता है जनाब। लेट अस प्लेज आवर लाइव्स टू आवर कंट्री। हमारे खोनो मोने आचे मुझे आज तक याद है। 1924 के दिसंबर की तूफानी रात थी, कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी जी की प्रताप प्रेस के तलघर में वो खड़ा था। पूज्य पिताजी नमस्ते। मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आजादी हिंद के लिए वक्फ हो चुकी है, इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात बाहर से कशिश नहीं है। आपको तो याद होगा कि जब मैं छोटा सा था तो दादाजी ने मेरे यज्ञ पवित्र का वक्त ऐलान कर दिया था कि मेरी जिंदगी खिदमत वतन के लिए वक्फ हो गई है। मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूं। उम्मीद है आप मुझे माफ फरमाएंगे। आपका ताबेदार। भगत सिंह, क्यों आना चाहते हो एचआरए में? जिस वजह से आप लोग हैं। अपनी वजह बतलाओ। वजह सबकी एक है, मुल्क की आजादी। कैसे मिलेगी? लड़ना पड़ेगा। अंधेरे में 3-4 अंग्रेज छोकरों को पीटने को लड़ना कहते हो? वो शुरुआत थी, और शुरुआत भी कभी ना कभी होती है। लड़ तो पिछले 100 सालों से रहे हैं, अभी तक तो मिली नहीं आजादी। शायद लड़ने के तरीके में कोई गलती रह गई हो, और उस गलती को तुम ठीक करने आए हो। क्यों नहीं आ सकता? हमेशा से कोई ना कोई आता रहा। शादी में शहीद होने से बचकर भागे हो बरकरदार। शहीद तो वहां भी होना है, तो कम से कम महबूबा तो पसंद क्यों? जवानी में मौत और महबूबा में कोई फर्क नहीं दिखता जब तक वो सामने ना आ जाए। मैं दोनों का सामना एक ही तरह से करने को तैयार हूं। बहुत तकलीफ होती है मरने में बरकरदार। आपको कैसे मालूम? आप कभी मरे क्या? मौत के बारे में जितना मुझे मालूम है उतना ही आपको। हिसाब बराबर है।
इस कमरे में बैठा है शख्स कभी ना कभी थोड़ा बहुत मरा है, और इनके जिस्म के घाव इस बात के सबूत हैं। जिस्म पर लगे घाव आदमी की ताकत का सबूत नहीं होते जना, ताकत कहीं और से आती है। खून बहाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो अपना हो या सामने वाले का। बड़ी बात तो यह है कि जिस्म से टपकी हुई एक बूंद आने वाली नस्ल के सारे खून में आग लगा सकती है या नहीं। इंसानी जिंदगी बहुत कीमती होती है जना, हंसते हंसते उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ाना हिम्मत का काम जरूर है, मगर काफी नहीं। वक्त और मौका तय किए बगैर अपनी जान गंवाना बेवकूफी है। हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम के 100 साल के इतिहास में शायद यही कमी रह गई। और जहां तक आजादी का सवाल है तो मैं बतला दूं कि हिंदुस्तान को सिर्फ आजादी की जरूरत नहीं है, जरूरी यह है कि यह आजादी हमें कैसे मिलती है। और अगर खरी हमें गलत तरीके से मिल गई तो मुझे कहने में हिचक नहीं होगी कि आज से 70 साल बाद भी हालात ऐसे कैसे रहेंगे। गोरे चले जाएंगे, भूरे आ जाएंगे, काला बाजारी का साम्राज्य होगा, घुसखोरी सर उठा के नाचेगी, अमीर और अमीर होते जाएंगे, गरीब और गरीब, और धर्म जाति और जुबान के नाम पर इस मुल्क में तबाही का एक ऐसा नंगा नाच शुरू होगा जिसको बुझाते बुझाते आने वाली नस्लों और सरकारों की कमर टूट जाएगी। स्वागत है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में, स्वागत है। मेरा नाम राम प्रसाद बिस्मिल है और मैं अशफाक उल्ला खान। रोशन मुकंदीला लाही और ये शिव वर्मा है। इसके वजन पे मत जाना, इसे चारे की दिया सलाई कहते हैं। और ये जयदेव कपूर, इसे कुश्ती में हराना पड़ेगा। और वो है आचार्य का खास बंगाली बटुकेश्वर दत्त। बालवाशी पूछ रहा है कैसे हो। जी बेहतर। जानते हो बंगाली और हनुमान जी में क्या फर्क होता है? जी क्या फर्क होता है? अजी कोई फर्क नहीं होता। दोनों को जब तक उनकी ताकत का एहसास नहीं कराया जाए बूटी लाने के लिए नहीं उठेंगे, और एक बार उठ गए तो बूटी छोड़ पूरा पहाड़ उठा लाएंगे। अरे ये हनुमान जी से याद आया, ये भूत है चारे का, जंजीर और जिंदगी से आज तक नहीं बांध पाई और ना कभी बांध पाएगी। बटे हो भगत सिंह से मिलेगा। नाम क्या है इनका? पंडित चंद्रशेखर आजाद। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में। नर्म स्याही से लिखे शेरों की बातें चुक गई, एक नई बारूद से लिखी गजल महफिल में है। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में। सरफरोश की तमन्ना, 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 सरफरोश की तमन्ना। के लिए 8 नंबर डाउन पैसेंजर चली, उसमें था सरकारी खजाना और उसमें सवार एक चारे के सदस्यों को इंतजार था एक छोटे से स्टेशन के आने का, जिसका नाम था काकोरी। अच्छे सुनते हो, काकोरी स्टेशन पर सरकारी खजाना लूट लिया गया, अपना भगत भी तो उस वक्त वहीं कहीं था ना। नो नो नो, tighten the security, make sure that anyone sir, don't... काकोरी स्टेशन से सरकारी खजाना लूट लिया गया। What? Close all the stations between Shahjahanpur and Lucknow. Red, Meerut and Banaras. Recruit new agents in Delhi, Agra, Gwalior and Jhansi. Send one squad to Calcutta. Pick up that Sanyal. Call special forces. I want to see CID sleuths in each and every street of Kanpur. Out! This is the same bloody Hindustan Republic Association. What? सब सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। पूरी एचआरए पकड़ी गई पंडित जी और मुकुंद लाल को छोड़कर। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का एक सुनहरा अध्याय खत्म हुआ, खत्म हुआ। दूध कितना निकला? 18 से। और शेर कितना भेजा? 12 से। और बस और बाकी बाकी देश के नौजवान पी गए। हाँ बेटा, अभी देश के बुड्ढे को मालूम पड़ गया ना तो तेरा पिछवाड़ा तोड़ देगा। नहीं, काम को रखना। भगत
भेंट कौन मिल रहा है तुझे? सत श्री अकाल बेटा। सत श्री अकाल बेटा जी। आओ जी आओ जी। काम काज कैसे चल रहा है? सब ठीक चल रहा है ना जी? आओ जी आओ जी, बैठो। ओए बैठो जी, दुनिया जी बैठो। ये देखो जी, ये पूरे 100 गज का टुकड़ा है, ठीक। और तीन भैंसे, एक बच्ची अभी अभी हुई है, और पूरे लाहौर तक दूध जा रहा है अपना। बहुत बढ़िया किशन सिंह जी, बहुत बढ़िया। ओए भगत जी, थोड़ी छोड़ी तो परेशान नहीं ना करते आप? जी नहीं, अब जमानत के बाद तो कुछ नहीं। भगत जी, धूनी चंद जी बहुत परेशान थे तेरे लिए, और दौलत राम जी बोल रहे केस तो उनकी बाप को लेना पड़ेगा वापस। ये गोरी अदालत में केस 6-7 महीने से ज्यादा नहीं चलते। सबूत भी तो ना है उनके पास, अब जिंदगी बनाओ अपनी। भगत सुन ले क्या कह रहे हैं, अब जिंदगी बनाओ अपनी। तुम सबको सालो एक ठार मिल गया है जिले का, ठीक है? और भगवती जी, बाबूजी जी, सब ठीक चल रहा है? बाबूजी सब चल रहा है, तुझे चिंता नहीं करो। और सुखदेव क्या बाबूजी, हराम जादे कोई तेरी भड़क कम हुई कि नहीं? जवान पत्ता है अपना, इसके लिए भी एक लड़की सड़की ढूंढ लीजिए। किशन सिंह जी, तारीख तारीख से याद आया। ओए भगत, मन्ना वाले पूछ रहे हैं तारीख वारीख पक्की करे जी। जैसे इनकी मर्जी, इस बार मैं पूरी तरह से तैयार। गिरफ्तारी हुई नहीं और दम निकल गई साले की। इस 1927 के धधकते हुए दौर में लाहौर को दूध पिला रहा है। पंडित जी, वो डेयरी तो उसके पिताजी ने खुलवाई है। तो क्रांति में अपने पिताजी से पूछ कर पूछा था? साला 85 भेद रहस्य लेकर गया है यहाँ के, इसलिए कि दूध बेचे, शादी करे, बच्चे पैदा करके आबादी पे बोझ बढ़ाए। साले कीड़े मकौड़े फैला कर चले गए दोनों चारे में। वो क्या नाम है वो चार फुट अमेरिकन नौटंकी बाल जी? चार्ली चैपलिन। तो क्या उसकी फिल्में देख देख के क्रांति लाएंगे? बहुत बड़ा एक्टर है जी। जूता निकाल लो अपना जी। सुखदेव क्या रहा था जी? ये बम दशहरे में फेंका गया है ना? बस हुकूमत का काम है पंडित जी, इनको तो बस बहाना चाहिए भगत को पकड़ने का, उस पर केस ठोकने का जी। उनको काकोरी के नाम चाहिए थे बच्चे, मगर उसने कुछ नहीं बदला पंडित जी। एहसान किया, एहसान किया मेरे ऊपर। बहुत मार लगी है पंडित जी, करनी पड़ेगी, सहन करनी पड़ेगी, वरना अपनी बीवी के नारे से गिरा बांध के बैठ जाए। मैं भूलूंगा नहीं, मैं भूलूंगा नहीं, ये सबसे बड़ा धोखा है मेरी जिंदगी का। ठीक है, फैसला हो गया राजगुरु जी। पंडित जी, तुम आज की गाड़ी से लाहौर निकल रहे हो, एक आखिरी बार बात करके देख लेना, मानता है तो ठीक, वरना वरना भाई बहन पुलाड़ को साथ ले जाना, काम आएंगे। पंडित जी, आप एक बार खुद बात करके देख लेते। बस फैसला हो गया साला, ये दिन भी देखना था, ये दिन भी देखना था। उम्मीद करता हूं तुम्हारी डेयरी अब तक कर्ज में डूब चुकी होगी, क्योंकि वहां पर दूध बेचने के अलावा और सब कुछ होता होगा। जानकर खुशी हुई कि तुम्हारा जी इनकलाब से उब गया, ऐसे में रोज मुझसे दो हाथ पड़वा लिया करो जी, ठीक रहेगा। तुम्हारा केस आजकल में वापस ले जाने की खबर है, जमानत का पैसा मिलने की पहले से बधाइयां, और अगली बार से बापों से मजाक किया करो तो याद रखा करो, बाप इस दुनिया में तुमसे पहले आया था। ओ कभी इतिहास मानेगा कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने भगत को उड़ाने के लिए भाई पंपुलाट भेजे थे। और भाई पंपुलाट भी बिल्कुल भरे हुए थे, जैसे कि देखते ही चीर फाड़ डालेंगे। अरे यार, पर तुम लोगों ने यह किया क्यों था? अबे उल्लू के पट्टे, नाम है राजगुरु और राजा के भांडो जैसी बातें करता है। अरे मेरी 60,000 रुपए की जमानत दी गई है, वो भी बैरिस्टर दुनी चंद और दौलत राम जैसी हस्तियों ने,
अगर 6 महीने तक मैंने कुछ भी उल्टा सीधा किया उनकी साख आ जाएगी। और अभी अगर आगे से कभी कोई नहीं पकड़ा गया तो फिर जमानत ही कहां से लाओगे? ओ पैसों के नाम पर पार्टी वैसे ही नंगी है, फिर कोई डकैती डालनी पड़ेगी। बाकी यशपाल ने असेंबली में केस उठवा दिया, आजकल में जमानत वापस और इंकलाब शुरू। लेकिन ये खूब रही, क्या कह रहे हैं पंडित जी के? अरे यार अब क्या हुआ? लेकिन मेरा सवाल तो वही का वही रहा, तुम लोगों ने ये किया क्यों था? अरे मेरे राज दुलारे, पेट में दूध दही जा रहा था मगर दिमाग बिल्कुल खाली था, तो सोचा कुछ कर लेते हैं। अब भाई हर कोई पंडित जी तो नहीं हो सकता ना कि 24 में से 25 घंटे लंगर बांधते हैं। लेकिन पंडित जी ने भी लोहार की चोट मारी है, क्या कहने हैं पंडित जी? अब जरूरी बात, फिरोज शाह कोटला दिल्ली की मीटिंग पक्की हो चुकी है, उत्तरी भारत में इस मीटिंग को लेकर काफी उत्साह है। जैसा कि तय है इस मीटिंग का संचालन तुम करो, उम्मीद है यह क्रांतिकारी आंदोलन में एक नई करवट साबित होगा, फैसला जो भी होगा मुझे मंजूर होगा, तुम सबका पंडित। जो एक अप्लाइड साइंस के तौर पर उभर कर आई है। लेकिन मिस्टर सिंह, सोशलिज्म नाम की साइंस में धर्म की कोई जगह नहीं है, जो कि हमारे देश की परंपरा है। हमारे देश की परंपरा गरीबी है, हमारे देश की परंपरा भूख है, हमारी देश की परंपरा फ्रस्ट्रेशन है, और हम इस परंपरा को अपने सीने से चिपकाकर जिंदगी पर घूमना चाहते हैं। धर्म इंसानी कौम के लिए एक अफीम है जो उसे एडिक्ट तो कर सकती है लेकिन उसे भरपेट खाना नहीं खिला सकती। आप ये कैसे कह सकते हैं? उससे व्यक्ति का विश्वास बढ़ता है, उससे व्यक्ति में खौफ बढ़ता है, उससे व्यक्ति में आध्यात्मिक शक्ति आती है, और वो सारी शक्ति मिलाकर एक वक्त की भूख नहीं मिटा सकती। आप भूख को इतना ऊंचा स्थान क्यों देते हैं? देते तो आप भी है, मैं बोल देता हूँ आप बोलते नहीं। हमारा इतिहास गवाह है कि धर्म गुरुओं ने इंकलाब लॉ के दिखाया है। हमारा छोड़ दुनिया के इतिहास में एक ऐसा उदाहरण दिखा दीजिए। क्यों? कबीर? कबीर का मकसद इंसान को भगवान से मिलाने के लिए नहीं था, उसका इरादा तो दो हार्ड मांस के जगतियों की दूरी को खत्म करना था। हजरत साहब, जीसस क्राइस्ट वो बहुत बड़े आंदोलनकारी थे जना, वो लोगों को साथ लेकर चले थे, और ये जरूरी नहीं कि इस्लाम और ईसाइत का जो स्वरूप आज हम देखते हैं वो उन्हीं का सोचा होगा। लेकिन वो अपने कर्मों से इतिहास से उठकर माइथोलॉजी में चले गए। इसके लिए जिम्मेदार हमारा 2000 सालों का वक्फा है, जहां हम इन्हें सिर्फ साबुन के कैलेंडर के माध्यम से जानने लगे। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि मान लीजिए कल को आप हिंदुस्तान के आंदोलन के कर्णधार बन जाए, तो 500 साल बाद आपके बारे में भी यही कहा जाएगा कि भाई घोष बाबू तो 8 सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला की मीटिंग में हवा में उड़ गए थे। स्वाभाविक लोग यू पर्सन आर इम्पॉसिबल, आप लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं। भाई जब पास में ठोके बजाय तर्क ना हो तो किसी से बात करने का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन इस सोशलिज्म की व्यवहारिकता के बारे में आप क्या कहें? आजादी जरूरी नहीं, जरूरी है आजादी के बाद का हिंदुस्तान, और अगर इसके लिए कुछ भी व्यावहारिक है तो यही है, वरना कुछ नहीं। ठीक है, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, इस HSRA का कमांडर इन चीफ चंद्रशेखर आजाद ही क्यों नहीं? वो व्यक्ति अंग्रेजी के अक्टर लाइन नहीं बोल सकता। सही बात भाई, कमांडर एक प्रेरणा होता है, उसका लिटरेट होना जरूरी है। लिटरेट होना एक सब्जेक्टिव बात होती है जनाब, कहीं पर वो मिशनरी स्कूल की पढ़ाई की वजह है तो कहीं जिंदगी के तल्ख तजुर्बों से। लेकिन वो यार इस मीटिंग तक में नहीं आए हैं। इसका जवाब शिव वर्मा देंगे। बोलो शिव। पटना गए हैं, कल सुबह दंड पहनते हुए मिले। मैंने मीटिंग की याद दिलाई तो कहने लगे
पहली गलती तो यह कर रहे हो कि मुझसे कसरत करते हुए बात कर रहे हो। 118 पेल चुका हूं और 200 से पहले रुकूंगा नहीं। फिर दूध जलेबी खाऊंगा, अपनी माउजर साफ करूंगा और फिर किसी बात का जवाब दूंगा। और दूसरी गलती यह कर रहे हो कि पार्टी की गतिविधियों की जानकारी नहीं रखते। अगर रखते तो पता चलता कि आज रात की ट्रेन से पटना जा रहा हूं और मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा। मैंने गलती से पटना का पता पूछ लिया तो बोले या तो मैं जानता हूँ या भाई बंपूलाल जी जानते हैं, किसी तीसरे के जाने से पहले उड़ा दूंगा। भाई बंपूलाल जी क्या? ओ जी 6 राउंड के होते हैं, पंडित जी के पास 10 राउंड के। तो फिर ये तय रहा क्या से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हुआ। और अब आता है हमारा पहला टारगेट, 30 अक्टूबर का सामन कमीशन लाहौर पहुंच रहा है। वो जहां जहां से गुजरेगा वहां वहां उसका कड़ा विरोध किया जाएगा और हम लोगों का नारा होगा सैमन कमीशन गो बैक, सैमन कमीशन गो बैक, सैमन कमीशन गो बैक। दस मिनट का मध्यांतर। सामने आ जाए तो दिमाग से सब कुछ। अरे गुरुद्वारे जाया कीजिए, मत्था टेका कीजिए, गुरबानी सुना कीजिए और छत कर लंगर खाया कीजिए। वाहे गुरु जी की कृपा से ना दिमाग बिल्कुल ठीक रहेगा। ओ जी ओ गुरबानी से दिमाग का तो इलाज हो जाएगा मगर दिल का। महाराज जी से कहकर छाड़ा लगवा दूंगी, बेफिक्र रहिएगा। चाची जी को कह देना चाची ने बुलाया है। सत श्री अकाल।
ओ जी, अभी कोई और भी आने वाला जबकि सत श्री अकाल कम से ज्यादा हकदार बनता है, और उनको भी बोल के चाहिए ना। सुनिए, अरे सुनते हो? ये कृपाण भी साथ ले जानी है? और नहीं तो क्या। अरे बिना कृपाण के सरदार तो ऐसे जैसे बिना ताज के राजा। ओए सुन ओए वीरे, वो ये त्वड़ी नामा कुल औलाद है क्या, जिसने सिख होने के बावजूद अपने केस कटा लिए? अरे क्रांतिकारी, क्रांतिकारी कहते हैं लाला जी नू। शेर बूढ़ा हो जाने पर भी शेर ही रहता है। क्या शान से आज जुलूस की कमान संभाली। ऐसे लग रहे थे जैसे आग दा गोला। ओ सुखदेव और भगवती वगैरह भी तो साथ चल रहे हैं। ओए तू हराम खोरे के नाम मत लिया कर मेरे सामने। ओ ये सारे के सारे लाला लाजपत राय के पैरों की जुत्ती भी नहीं है। अच्छा, लेकिन भगत तो उनके बारे में कुछ और ही कह रहा था। और मैं कुछ ही नहीं कह रहा। इस 45 साल के सरदार की बात कर तेनू यकीन नहीं? उसे 20 साल के लौंडे दा। ऊपर से उस अच्छी भली लड़की को और परेशान कर रखा है। आप उस लड़की से कहते क्यों नहीं, कहीं और शादी कर ले। ओए वीरे, अपने खुद की औलाद को समझा नहीं पा रही है, दूसरों से बात करे। अच्छा, मैंने तो ये नई पौधी समझ में नहीं आ रही है, ना जाने क्या खा के पैदा हुई है। कल तक इन्हीं लालच को गाली दे रहे थे और आज उन्हीं को बाप समान के साथ चल रहे। लेकिन भगत तो कह रहा था कि लाहौर में इस मोर्चे को उसकी नौजवान भारत सभा ने संभाल रखा है। संभाल रखा है। अब है तो उसी अजीत का भतीजा ना, वो ये जुलूस मोर्चे ही करता रहे तो ठीक है, कम से कम अपने चाचा की तरह जिंदगी भर के लिए मुल्क छोड़कर बाहर तो नहीं रहना पड़ेगा ना। वह आज 20 बरस होने को आए हैं, उसे फरार हुए, घर में जवान बीवी छोड़कर चला गया था। बेचारा इंतजार करते करते बूढ़ा आ गई। Simon Commission! Go back! 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 Cavalry! Go back! Let's see charge! Simon Commission! Go back! Simon Commission! Go back! Simon Commission! क्या था उसका? सुपरिटेंडेंट स्कॉट। भगत, सुखदेव, भगवान दास और विजय उसके आने का टाइम चेक करेंगे। उसकी शक्ल को कौन जानता है? जयगोपाल, जयगोपाल। वो मोटरसाइकिल से आता है डीएवी कॉलेज के सामने, मैं देखते ही इशारा कर दूंगा। पिस्तौल किसके पास है? राजगुरु, मैं और भगत पहली गोली चलाएंगे। हमारा किसी ने पीछा किया तो पंडित जी को संभालना है। पंडित जी, पंडित जी, जयगोपाल ने गलत इशारा कर दिया, उस कोट के जगह सोंडस मारा गया। यमराज और यमदूत में ज्यादा फर्क नहीं होता, लाठियां ही थी सोंडस ने बरसाई थी। अपने भगत पर खून का इल्जाम लग गया, खून का इल्जाम इन पर, मगर किसके खून का? यही सवाल मेरा था, खून का इल्जाम उस पर, लेकिन किसके खून का? उस सॉन्डर्स का खून तो सबको याद रहा, इतिहास ने उसे अपने पन्नों में डंके बजाकर जगह दी, उस इल्जाम ने उसे युग पुरुष बना दिया। लेकिन कल वो किनारे बाजार में मिली थी अपनी माँ के साथ, मैंने सत श्री अकाल कहा तो शर्मा गई। उसने हंस के बोला कि अब शर्माने से काम नहीं चलेगा, अगली होली तुझे देवर और जेठों के बीच में मनानी। उस गरीब की जान के सपनों का खून, उसका दारोमदार, उस
उसकी जिम्मेदारी। दूसरों के खून से होली खेलने वाले उस महाबली ने क्या कभी मेहंदी के रंग को पहचानने की कोशिश की? ये होना ही था। मैं तुझसे पहले भी कहा करता था सुखदेव कि उससे ज्यादा हंसी मजाक मत किया कर। ये जमानत के दिन महंगे पड़ गए सुखदेव। 24 घंटे बम बारूद की गन सुनने वाले उस योद्धा ने क्या कभी गुलाब की नन्ही कली को सुनकर देखा? हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम की धारा बदल कर रख देने वाले उस युद्धद्रष्टा ने क्या कभी किसी के छोटे से कुल बुलाते दिल को टटोलने की कोशिश की? अपने आपसे चोरी करने की कोशिश ना कर भगत, तू इस वक्त सुखदेव से बात कर रहा है। मैंने उससे आज तक कभी बात नहीं की। जवाब दीजिए। उस इंसान के साथ कंधे से कंधा भिड़ाकर उस संग्राम में बराबर का हिस्सा लेने वाले इतने जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते आपका खामोश रहना कहां तक जायज है मिस्टर पटुकेश्वर दास? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो खुद जानता है। हम इसके लिए जिम्मेदार हैं सुखदेव। हम इससे भाग नहीं सकते। और भागे बगैर हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है। जिंदगी अभी हमें कहीं और धकेल चुकी है। जिंदगी किसी को किसी की मर्जी के बिना कहीं नहीं धकेल सकती। मेरी आंख में मुझे सुअर का बाल नजर आ रहा है भगत। क्या मतलब? तूने 8 अप्रैल वाले एक्शन में जाने से इनकार कर दिया। किसने कहा? वो प्लान पंडित जी का था कि 8 अप्रैल को असेंबली में बम फेंकने मैं नहीं जाऊं। जबकि बम फेंकने की पेशकश तेरी थी, फेंकने के बाद गिरफ्तारी देने की पेशकश तेरी थी। वो आज भी है वहां। उस वक्त दुनिया जहान की प्रेस मौजूद होगी, विदेशी पत्रकार होंगे। HSR के पास अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। और पहुंचाएगा कौन? और राजगुरु जो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे भरोसेमंद सिपाही है मगर लाचार बचपन के कारण ऐसी जुबान नहीं रखता कि अपनी बात ठीक से रख सके, या फिर वो जय गोपाल जो तेरे एक इशारे पर अपनी जान की बाजी लगा सकता है मगर बेचारा चाह कर भी मंच पर खड़े होकर क्रांति के मकसद को बौद्धिक स्तर पर व्यक्त नहीं कर सकता। ये सब बातें मुझे बोलने का मतलब? सरदार भगत सिंह सुखदेव से एक मामूली सी बात का मतलब पूछ रहे हैं। तो बहुत गंदा इशारा कर रहा है सुखदेव। सरदार भगत सिंह को एकदम एहसास हुआ कि उनका इंटेलेक्ट सिर्फ लेख लिखने में है। HSRA के थिंक टैंक कहलाए जाने वाले सरदार भगत सिंह के इरादों में दिक्कतें आने लगी। सरदार भगत सिंह अपनी तूफानी शिद्दत और विश्व क्रांति की बेइंतहा जानकारी अपनी जिंदगी के किसी नाजुक से लम्हे के लिए बचा के रखना चाहते हैं। खामोश हो जा सुखदेव। किसी भी किस्म की क्रांति में कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं होती जनाब, और खासकर जब वो कंफ्यूजन किसी औरत का लाया। मैंने कहा खामोश हो जा सुखदेव। पता है तेरी आंख की लाली में बदलाव देख रहा हूं मैं आजकल। कोई वजह नहीं बनती कि तू उस पीढ़ी के मुंह पर थप्पड़ मारे जो तेरा मुंह देख देख कर जी रही हो। पंडित जी, नीचे पटक कर बोला था, खाना। और वो क्या बोला था?
संदेशा, तुम्हारी सरकार के लिए। खुद ही लड़ेगा, उससे फायदा? ओए वीर, इन लोगों के फायदे और नुकसान को कोई समझ पाया है? पंडित जी, सरकार बौखला उठी है। पंडित जी, चारों तरफ छापे पड़ना शुरू हो चुके हैं। एक लाहौर भेजी उसके घर, बाकी सारे सेंटर्स पर। हमें सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि अंडरग्राउंड हो जाए। सिर्फ अंडरग्राउंड होने से काम नहीं चलेगा, काम जारी रहना चाहिए। राजगुरु, तुम अभी एकदम पूना निकल रहे हो, अपनी कैंची जैसी जुबान पे काबू रखना। पटना, आगरा, झांसी, सहारनपुर तार कर दो कि सब गायब हो जाए। लाहौर सुखदेव को खबरदार कर दो कि वो बचकर रहे, उसे कुत्तों समान ढूंढ रही है पुलिस। मगर कहां गई आपकी वो धमाकेदार योजनाएं? कहां गया HSRA का फैला हुआ नेटवर्क? कहां गई पंडित जी की गाइडेंस? आप लोग तो अपने आप को समझदारी की इंतहा माना करते थे ना? क्या? हां पंडित जी, जय गोपाल मुखबिर बन गया। लाहौर की बम फैक्ट्री पकड़ी गई और आज आगरा की, और फैक्ट्री के साथ अरे भगत के बाद दूसरा बच्चा था हमारा, बिगड़ गया था तो क्या करेंगे अब उसका? करेंगे क्या, मुकदमा चलाएंगे। परसों रात को चुपचाप मिलने आया था, पैर छूकर बोला, भगत के लिए कोई संदेशा है? अब उसके खुद के लिए संदेशा भेजना पड़ेगा। ओ मेरा संदेशा तेरे लिए ये है भगत, कि मैं भी पीछे नहीं रहा। और जेल जेल का फर्क है, तू दिल्ली में है, मैं लाहौर में। और मैंने सुना तेरे केस की कार्यवाही शुरू होगी। इंसान के लिए हमारा इश्क किसी से भी कम नहीं है, इसलिए इंसान का खून करने की ख्वाहिश रखने का तो सवाल ही नहीं होता। हमारा केवल एकमात्र उद्देश्य था कि एक धमाका करे, क्योंकि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की ही जरूरत होती है। हमने उनको चेतावनी दी है जो आंख मूंद कर अंधों समान इस रेस में दौड़ते चले जा रहे हैं, आने वाली गंभीर स्थिति की चिंता किए बिना। हमारा यह काम हमारे इंसानियत के प्रति रुझान को ही दर्शाता है। हम वो मशाले करते हैं जो कवि गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी, कमाल पाशा और रजा खान, वाशिंगटन और गैरिबाल्डी, और लफायत और लिनन के हाथ में थे। हम यह असेंबली कांड करके ये बताना चाहते थे कि व्यक्ति की हत्या की जा सकती है उसके विचारों की नहीं। फ्रांस में लेटर की कैचेट और वेस्टाइल जैसे खौफनाक हाथ से कभी भी क्रांति को नहीं कुचल सके। साइबेरिया के खानों में भेजकर जिंदगी छीन ली गई, लेकिन उनके इरादे नहीं। और हमारा इंकलाब कोई बम और पिस्तौलों की संस्कृति नहीं है, हमारे लिए उसका मतलब है बदलाव, चेंज। और अगर समय रहते वर्तमान सभ्यता के ढांचे को नहीं बदला गया, अगर सर्वहारा वर्ग को महत्ता नहीं दी गई,
तो आने वाले हिंदुस्तान को सिर्फ कुछ पूंजीपति अपने सुनहरी कलमों से लिख रहे होंगे। कितने आगे गई उस युग दृष्टा की भविष्यवाणी, किसके कानों में रची बसी रह गई है आज उसकी बात। आज 1965 इस बात का गवाह है कि आजादी हमें कांग्रेस ने दिलवाई। उसके पीछे वो गांधी नाम का बंदा था, वो मोमेंट वक्त का एक बुलबुला था जो वक्त के साथ ही फूट गया और साथ में ले गया खूनी गोलियों और बम के धमाकों की आवाज। गलत कह रहे हो मरकंड, बिल्कुल गलत। धमाकों की आवाज सन 1947 में अपने पूरे महाकाल रूप में उठी थी और उसके साथ जुड़ गई थी करोड़ों बच्चों बूढ़ों और औरतों की चीखें, जो रो रो कर चिल्ला पड़े थे कि हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान, हमें नहीं चाहिए हिंदुस्तान, हमें सिर्फ एक मुल्क चाहिए जिसकी जमीन पर हम आजादी की खुली सांस ले सके। आज 18 साल बाद भी उस ज्वालामुखी का लावा इन दो मुल्कों के सीने में धधक रहा है, हाँ धधक रहा है। किसको जिम्मेदार ठहराते हो इसका तुम? किसको? किसको? पॉलिटिकल किलर्स। इसका क्या मतलब होता है? पॉलिटिकल किलर्स मतलब राजनीतिक होने, जो राजनीति में बड़े रहने के लिए किसी का भी खून कर सकते हैं। कौन सी राजनीति में बने रहना चाहते हैं? वो महात्मा है, उनके मुंह से शब्द नहीं अमृत फूटता है। ओए मेरे, इनकी बात को कोई झूठ नहीं कहता। अपने भगत को ओए वाहे गुरु जी को यही मंजूर था। उम्र क्या है? अरे मैं तो कहता हूं फिर भी सस्ते में छूट गया। वही आराम जाती सरकार से तो इतने भी उम्मीद नहीं है। सुन रही है कि नहीं सुन रही है? कम से कम ये तो एहसास रहेगा कि जा भी है जिंदा है। पंडित जी को खबर कर दो कि कल शिव वर्मा, जयदेव कपूर, सुरेंद्र पांडे, विजय, महावीर सिंह और कुंदन लाल सहारनपुर में पकड़े गए। मैं ये जगह आज ही छोड़ के जा रहा हूं। अपना ख्याल रखना क्योंकि कल भगत और दत्त का फैसला है। Oh.
कौन करता है। पीछे से आवाज आई, हैंड्स अप। एक बारगी तो मन हुआ तैयार, क्या हुआ बम पीछे की तरफ उछाल कर हैंड्स अप कर दूं। फिर सोचा तुम लफंगों से दोबारा मिलने का मौका कहां मिलेगा। तुम सबको बम बनाना सिखाया है बेटा, हम बाप है तुम्हारे, हम बाप है दुनिया के। वी आर आइडियलिस्ट, ग्रेट, टू ग्रेट, वी आर सुपर ह्यूमन, वी आर बियॉन्ड ह्यूमन बींग्स। हमें हमारी शालीनता बनाए रखनी पड़ेगी, हमें खुदा बनकर दिखाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर लोग मानेंगे कि क्या लोग थे भाई, क्रांति के रास्ते में अपने भावनाओं को कुचलकर आगे बढ़ गए। याद है? याद है। अरे याद कैसे नहीं होगा, बाजार में एक कैलेंडर मिल रहा था जिस पर एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर, राजगुरु बाबू से खरीद लाए और पार्टी ऑफिस में लगा दिए। पंडित जी आए और देखते ही बौखला उठे, कैलेंडर यार्स के टुकड़े टुकड़े। राजगुरु बाबू आए और देखते ही भिनक गए, मेरा कैलेंडर किसने फाड़ा? मैंने फाड़ा। क्यों फाड़ा? या तो इसमें उलझ जा या जाके क्रांति कर ले। राजगुरु बाबू ने एकदम से कैंचुली बदलते हुए कहा, अच्छा आप हर खूबसूरत चीज को फाड़ दोगे? फाड़ दूंगा। अच्छा आप ताजमहल को भी फाड़ दोगे? हाँ फाड़ दूंगा। राजगुरु बाबू ने कहा, अरे पंडित जी खूबसूरत दुनिया का सपना बसाने चले हो, खूबसूरती से इतनी इतनी नफरत पालकर? वाकई एक बहुत खूबसूरत सवाल था। तुझे याद है वो इटालियन क्रांति, जब मेज़ी ने अपनी हार से बुरी तरह टूट चुका था, वो बार बार अपने खोए हुए साथियों को याद करके रो पड़ता था। उसके प्रेमिका के सिर्फ एक खत ने उसे इतना मजबूत बना दिया, आने वाले हिंदुस्तान को उसने दिशा निर्देश शुरू कर दिया। हाँ मैंने उस लड़की के बारे में पूछा था क्योंकि वो लड़की मुझे याद आती, और किसी को याद करना मेरा हक है, किसी को यादों में बसाना मेरा हक है। वो तो हमें गुलाम मुल्क के नौजवान है सुखदेव, जहां इसकी जैसी पाक साफ चीज के लिए आबोहवा ठीक है, वरना अगले जन्म में मैं यकीनन अपनी प्रेमिका को आगोश में लेकर उसके कंधे से अपना सिर टिकाना चाहूंगा। अरे सुनते हो, अपने भगत को पास
इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा, और अपना आसमां होगा, और अपना आसमां होगा, और अपना आसमां होगा। ये तो जाने राजा की हार।
के रंगे इश्क के रंगे इश्क के कितने होते हैं ये ना जाने पीर फकीर 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 ये ना जाने किया जाए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, सर झुकाता हूं शर्मिंदगी से इस हैवानियत के सामने। रवींद्रनाथ दास को कैसे भी बचाया जाए। और गणेश शंकर विद्यार्थी जी बोले, आई स्पिट ऑन द करेज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर हु डोंट इवन नो हाउ टू किल। द सॉइल ऑफ दिस नेशन हैज हैड इनफ फ्रॉम द ब्रिटिशर्स एंड नाउ इट नीड्स समथिंग फ्रॉम अस एंड वी आर आउट एंड नॉट प्रिपेयर्ड to give the precious most thing we have, and that is our lives. कली अतिंदर नहीं रहा, भगत के साथियों में से ये पहली मौत थी। मुझे कभी कभी लगता है कि क्या मैंने तुम लोगों को सिर्फ इस दिन के लिए तैयार किया था भगवती, एक भी किसी एक्शन में भेज के हमेशा हमेशा के लिए खो दूं। इसे खोना नहीं कहते पंडित जी,
इसे तो पूरी तरह से पा लेना कहते हैं। यह भूख हड़ताल अब भी नहीं रुकेगी। नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। अमेरिका से सैकड़ों चिट्ठी आने लगी थी समर्थन के तौर पर। लोग सड़कों पर निकल आए थे, जगह जगह हड़तालें फूट पड़ी थी, किसान और मजदूर वर्ग रेले के रेले बनाकर उमड़ पड़ा था, अखबार हुकूमत के खिलाफ आग उगलने लगा था। और तभी शिव वर्मा ने बहुत भावुक होकर उससे कहा था, यार आजकल तुझे नाम से बुलाने को दिल नहीं करता, तो क्या कह के बुलाए? सरदार। ये बात। और सरदार का पूर्ण स्वराज का नारा मुल्क के कोने कोने में गूंज उठा था। वो महात्मा गांधी जो एक साल पहले कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को सख्ती से कुचल चुके थे, उन्हें भी इस घटना के 2 महीने बाद लाहौर अधिवेशन में इस मांग को स्वीकार करना पड़ा था, क्योंकि करे बगैर कोई चारा ही नहीं था। सरदार, तुमको मालूम है इतिहास में इस बात का श्रेय हमेशा कांग्रेस को दिया जाए। कल जब मैंने जमादार के 8 साल के बच्चे को ये नारा लगाते देखा तो मेरा श्रेय मुझे मिल गया। एक बात पूछ, क्या तुम कभी महात्मा गांधी से मिले? हाँ, इकलौती याद है। भगत 8 साल का था, गांधी लाहौर आए थे उसके स्कूल में, तमाम भीड़ उनके साथ थी, चारों तरफ तहलका मचा हुआ था, बच्चे तो मचल मचल कर उन्हें देखने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वो भगत के सामने से गुजरे, भगत एकदम से बोला, सत श्री अकाल। गांधी रुके, उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से हंसे,
उसके सर पर हाथ रखा और बोले, सत श्री अकाल के साथ साथ वंदे मातरम भी बोला करो, हमारे देश को उसकी भी जरूरत है। महाभारत में कृष्ण और कर्ण का संबंध पड़ा था। वो कर्ण जो कृष्ण का अटूट भक्त था, लेकिन लड़ा उनके खिलाफ था और खत्म भी पहले वही हुआ था। कुछ बावले उसूल बना लिए थे उसने अपनी जिंदगी में। हालांकि कृष्ण भी सुखी नहीं रह पाए उसके बाद। मैं उनका भक्त तो नहीं हूं, लेकिन उनकी कदर जरूर करता हूं और इसलिए उनकी मुखालिफत करने का हक भी रखता हूं। हमारी जिंदगी कहीं भी जाए शिव, लेकिन हम अपना हिंदुस्तान महाभारत के बाद वाला आजाद भारत तो नहीं देखना चाहेंगे, जहां गरीबी फैले, जहां भूख पनपे, जहां महामारी उमड़े, जहां भेड़ियों का राज हो और जहां कबूतरों का सहमापन हो। अरे हम तो चाहते हैं वो देश जहां उमंगे हो, जहां तरंगे हो, जहां मुस्काने हो, जहां खूबसूरती फैले और जहां भाईचारे का साम्राज्य रहे। हमारा इंकलाब कोई खून आलूदा नहीं है, अरे उसे तो फूलों की पंखुड़ियों से पोस पोस कर पैदा किया गया। हमारा इंकलाब आएगा सिर्फ, हमारा इंकलाब आएगा सुखदेव, हमारा इंकलाब आएगा। यह अलादा बात है कि हम उसे अपनी जिंदा आंखों से देख पाते हैं या नहीं। नाम शिवराम हरि राजगुरु। चार सॉन्डर्स मर्डर केस। कब पकड़े गए? 10 जनवरी 1930 को। कहाँ पकड़े गए? पुणे में। कैसे पकड़े गए? मालूम नहीं, जब पकड़ लिया गया तब मालूम पड़ा कि पकड़ लिया गया हूँ। किसी ने मुखबरी की? हाँ। किसने? मैंने। अपनी मुखबरी खुद ही? कैसे? वहाँ एक आदमी को बता दिया कि सॉन्डर्स को मैंने मारा है। ओ, एक आदमी को नहीं बेटा, आधा पूना को बता क्या है। ऊपर से वो पिस्तौल भी दिखा। बोलो गलत है? गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है, झूठे आईसी छप्पन। हम जेल में तो क्या बाहर की खबर नहीं रखते? तो पंडित जी ने खबरदार करके भेजा था ना कि अपने कैची जैसी जुबान पर काबू रखना। वहां मच्छर बहुत थे, चलते फिरते ऊंग लगे रहते थे, मैं ठीक से सो नहीं पाया था, उसी की वजह से कभी मुंह से निकल गया होगा पता नहीं। What ya? I here and this welcome. अच्छी हो तुम्हारी अंग्रेजी। तो कहाँ से सीखी? मैं सॉन्डर्स को मारते मारते। जल्दी शुरू नहीं हो गई? अभी तो पकड़े हुए 21 साल हुए। अच्छा,
मिस्टर पैलेस सिंह एंड द क्रू, आप लोगों पर सुप्रिंटेंडेंट सॉन्डर्स को नजायज हथियार से खत्म करने का आरोप लगता है। हाउ डू यू फील, guilty और नॉट guilty? जी, अगर जायज हथियार से मारते तो इल्जाम नहीं लगता, जैसे लाइसेंस दृष्टिया। This is count. अच्छा वो बता दिया, हम तो तबेला समझे हुए थे। जैसे कि सैबूज बतलाते हैं, एसएलजी बम केस में आप लोगों की जेब से इंग्लिश पिस्टल बरामद हुई थी। अब ब्रिटिश हुकूमत के पास हथियारों तो कमी तो है नहीं, हमें हैरानी ना होती अगर उस दिन हमारी जेब से इंग्लिश टैंक बरामद हो जाते। मिस्टर बैगल सिंह, आप लोगों ने अपना वैधा छोड़ा है, आप लोगों ने फिर से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। आप लोगों ने अपना वादा तोड़ा है, आपने हमारी सभी मांगे मंजूर कर ली थी, लेकिन अब उन्हें अमल करने से इनकार कर दिया। आप लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप लोग सिर्फ रिक्वेस्ट करने की हालत में हैं, और आप लोगों से ज्यादा इस बात का एहसास किसी को नहीं कि आज हम सिर्फ वार्निंग देने की हालत में हैं। आप लोगों की डिमांड्स पर गौर किया गया है, आप लोगों की खाने को लेकर की गई कंप्लेंट बेबुनियाद पाई। इस साल हमारे जेलों के खाने का स्टैंडर्ड एवरेज से बेहतर है। अगर सब्जियों में कॉकरोच और रोटियों में मिट्टी को ब्रिटिश गवर्नमेंट बेहतर कहती है, then we really doubt the British taste of food. लंदन में इसे पोटैटोज विद कॉकरोच और चपाती विद फिल्स के नाम से सर्व किया जाता है, हिंदुस्तान में इसे घटिया खाना कहते हैं। आप लोगों की दूसरी डिमांड यह है कि आप सब लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। yes. और इसीलिए आपसे स्तर से नीचे का काम ना कराए। yes. काम काम होता है मिस्टर सिंह, उसमें स्टैंडर्ड्स की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो कभी बग्गी में हमें बैठाइए, खुद घोड़ों की लगामें थामिए और अपनी मेम साहिबा को अपने साथ बिठाकर उनसे कहिए कि अपनी पतली सी महीन सी आवाज में चिल्लाए, ए हटो 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 हटो, मिस्टर सिंह की सवारी आ रही है। काम के स्टैंडर्ड का फर्क मालूम है। आप लोगों की तीसरी डिमांड यह है कि आपको किताबें और लिखने का सामान बेरोक टोक भेजने की सुविधा दी जाए, साथ ही हर प्रिजनर को कम से कम एक न्यूज़पेपर सरकारी खर्चे पर मुहैया कराया जाए, नहाने को अच्छा पानी हो, पहनने को साफ कपड़े। आपको क्या लगता है मिस्टर सिंह, कि आप किसी हिल स्टेशन पर है और कैजुअली पर है? सर जी, आप लोग अपना घर बार छोड़कर हमारे मुल्क में इस तरह चुपचाप घुस आए हैं जैसे कोई ऑनरेबल लेडी अपने नाजायज बच्चे को पैदा करने के लिए सोसाइटी से भाग के आ जाती है। क्यों जी, आपको क्या लगता है हमारा मुल्क कोई नर्सिंग होम है और आप लोग यहाँ मैटरनिटी लीव पर है? अब इस खेस के चश्मदीद गवाह मिस्टर घोष को बुलाया जाए। आपका नाम? हमारा नाम फणीन्द्रनाथ घोष। आपका इन लोगों के साथ ताल्लुक? मैं इनके साथ फिरोज शाह कोटला की मीटिंग से बॉम्ब फैक्ट्री तक था। इन लोगों ने नाजायज बमों की फैक्ट्री लगाई? यस। आपने उसमें सहयोग दिया? यस। योर विटनेस? शिव। फैक्ट्री हमने लगाई? हाँ। किस किस ने? करीब करीब सारे। लेकिन उसके लिए तो बहुत पैसों की जरूरत होती है। इतने पैसों की भी जरूरत नहीं पड़ती मिस्टर, कॉम में भी काम चल जाता है। क्यों, अगर मेरठ से गन कॉटन खरीद? गन कॉटन कोलकाता में मिलता है मिस्टर, सिर्फ सर्दियों में, वरना उसे घर में भी बनवा सकते हैं। राइट, और हमने बनाया बिना पोटेशियम नाइट्रेट के, बिना सल्फेट के। हम वो भी लाए। और बमों के खोल मिल जाते हैं आसानी में बाजारों में, बस सबूत नहीं छूटना चाहिए। प्लास्टिक के खोलों से आप बम कैसे बना सकते हैं मिस्टर घोष? बम हमेशा मेटल के खोल से बनता है मिस्टर। पटाखे और बम में फर्क होता है मिस्टर घोष। आज यतीन्द्रनाथ जिंदा नहीं, अगर होते तो बतलाते इस आदमी को पटाखा तक बनाने नहीं आता। की बोल ले? पटाखा? हाँ। अरे पोटेशियम नाइट्रेट 100 मीटर 70%, सल्फर 15%, चारकोल 10% कार्बन का प्रोडक्शन के लिए, और उसके बाद घर में काम आने वाली शीशे एकिप्ते उनको एक मेटल का खोल के अंदर भर कर। वो बेवकूफ
बम बनाने की सारी विधि पक गया पंडित जी, जर्नलिस्ट से भरी अदालत में। कल को हिंदुस्तान के अखबार के फ्रंट पेज पर छपी होगी बम बनाने की विधि तफसील से। अब तक तो साला कुटीर उद्योग लग चुका होगा घर घर में। अरे तो सही है अंधी क्रू, कल जो हरकत आपने कोर्ट में की वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। Do you understand? Okay. And you have you will have to follow the rules and regulation of this court, Mr. Bagat Singh. Yes. आप लोग यहाँ हटकरी में ही बैठेंगे और कार्यवाही के शुरुआत में ये गाने के सेशंस में हर किस बर्दाश्त नहीं करूंगा। जहां तक हथकड़ी का सवाल है मिस्टर कोल्स्ट्रीम, तो हाथ हमारे है चाह हमारी है, और टेररिस्ट और पॉलिटिकल प्रिजनर्स में फर्ज समझने की जिम्मेदारी आपकी। और जहां तक गानों का सवाल है, तो दिस इज इंडियन म्यूजिक। ये यहाँ तब बजता है जब होली मनती है, जब धान कटता है, जब चौका लिपा जाता है। अपने गोरे गोरे हाथों से कभी चौका लिप कर देखिए, आप भी इन गानों को सुनने के लिए बेचैन हो जाएंगे। मिस्टर बैगट से आप लोग अपने आप को खाला क्यों कहते हैं? आप लोग तो भूरे हैं। आप लोग अपने आप को गोरा क्यों कहते हैं कोल्स्ट्रीम जी? आप लोग तो गुलाबी हैं। इससे काम नहीं चलेगा मिस्टर बैगट सिंह, आप लोग अदालत में आने से इनकार नहीं कर सकते। ब्रिटिश हुकूमत का फैसला इतिहास का हिस्सा बन चुका मिस्टर कोल्स्ट्रीम, ना तो हमें इनको सुनने की ख्वाहिश बची है, ना ही इनका इंतजार करने का शब्द। क्या आपको मालूम है कि ये मुकदमा आप लोगों के गैर मौजूदगी में भी चलाया जा सकता है? ऑर्डिनेंस ऑफ द स्पेशल ट्रिब्यूनल, वॉइसरॉय अरविंद केस नए शगुफे का हमको पता है। जुडिशरी के इतिहास में यह पहला मुकदमा होगा जो स्पेशल ऑर्डर से कैदियों की गैर मौजूदगी में चला जाएगा। रिस्पेक्टेड वाइसराय के बारे में तहजीब से बात कीजिए मिस्टर बैगट सिंह। इस कंट्री के सबसे बड़े लीडर मिस्टर गांधी तक भी उनका नाम सम्मान से लेते हैं। हमें पता है इस गांधी अरविंद पैक्ट के बारे में, जिसमें ब्रिटिश हुकूमत ने श्री गांधी की शांतिपूर्वक धरना देने की मांग को स्वीकार कर लिया, और साथ ही में इंडियन इंडस्ट्रीज की रक्षा के नाम पर ब्रिटिश गुड्स पर 15% और नॉन ब्रिटिश गुड्स पर 20% टैक्स घटाया गया, जो कि सिर्फ यहाँ के बुर्जुआ वर्गों के स्वार्थों की रक्षा करता है। ना तो किसानों पर से लगान कम हुआ है, ना ही नागरिकों पर से टैक्स, यहाँ तक कि नमक कर तक नहीं हटाया गया, और साथ में सारे राजनीतिक बंदियों को छोड़ा गया। शायद गांधी साहब को यह मालूम ही नहीं कि 1915 के गदर पार्टी के सैकड़ों बंदी अपनी सजा पूरी होने के बावजूद जेलों में सड़ रहे। मार्शल लॉ के सैकड़ों बंदी आज भी जिंदा कब्रों में गड़े हुए हैं। देवगढ़, काकोरी, महुआ बाजार और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में से एक को भी नहीं छोड़ा। बंबई, कलकत्ता, चंडगांव, देवली में सालों से केस चल रहे हैं। क्रांतिकारी औरतें अपने पति और बच्चों को छोड़कर भागी हुई है, ना जाने कितने फांसी के बाट चुके। बताइए इसके बारे में क्या कहता है आपका ये गांधी इरविन एक्ट? कुछ नहीं बोल पाया था वो गांधी इरविन पैक, कुछ नहीं बोल पाए थे कांग्रेस के सारे सर्वे सर्वा, और कुछ नहीं बोल पाए थे देश के सेल्फ स्टाइल लीडर्स। उन्होंने तो अदालत आना ही बंद कर दिया था, शायद सरकार चाहती ही यही थी। और इस सदी का वो सबसे अनोखा मुकदमा चला, जहां अभियुक्तों को तलब करने की किसी ने जरूरत ही नहीं समझी। मैं तुम्हारा नाम भूल गया। मैंने बताया ही नहीं था। कानपुर सिर्फ मुझसे मिलने आया? जी हाँ, जैसे सिर्फ दत्त साहब से मिलने दिल्ली गया था। वो 1965 था, आज 1994 चल रहा है। आज किसी को उस वक्त में क्या इंटरेस्ट आ गया? जब जागना चाहिए था तो जागा नहीं, और आज जब जागा है तो उनमें से सिर्फ आप ही बचे रह गए। बहरहाल मैं आपको ये बतलाने आया हूँ कि ये 1994 इस मुल्क को हम जैसों की देन है, उसकी नहीं। क्या मतलब? मैं उन हजारों लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करने आया हूँ जो उस वक्त उसकी तूफानी रफ्तार से बच नहीं पाए थे, और जिन्होंने उसकी शक्ल देखकर दूसरा भगत सिंह बनने का इरादा ठान लिया था।
लेकिन वो उसके साथ दौड़ नहीं पाए, उन्हें बीच में ही रुकना पड़ा। कुछ लोग थक गए तो कुछ लोग फिसल गए। वो बीच में से गायब होकर भी अपनी मंजिल तक पहुंच गए। हम 45 साल बाद भी रास्ते में ही भटक रहे हैं। मेरे पास मेरा ताम्र पत्र है, मेरा स्वतंत्रता सेनानी होने का सर्टिफिकेट। मैं आज मर्सिडीज में आया हूं, अपने एयर कंडीशन बंगले से निकलकर। मेरे सारे नाती पोते पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। मेरी पत्नी इस शहर की सबसे बड़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ऑनररी प्रेसिडेंट है। मिल रही सुविधाओं को इस्तेमाल करने में हर्जी क्या है? ये बात आप कभी उसमें बोल पाए? यहाँ चुनाव आता है, तुमने कुछ और चुना, उसने कुछ और। क्यों मैं वो क्यों नहीं चुन पाया जो वो चुन गया? ये हमने चुना है, ये हमारा चुनाव है और हमें इस पर फख्र होना चाहिए। अगर हमारे इस मूवमेंट से आने वाले हिंदुस्तान को कोई दिशा मिलती है तो यही हमारी उपलब्धि होगी। कोई दिशा नहीं दे पाए तुम। आज के हिंदुस्तान में तुम्हें सिर्फ साबुन के कैलेंडरों पर देखकर याद किया जाता है, सरदार भगत सिंह। लोगों की यादों में बसना हमारा मकसद नहीं, कल हम लोगों का फैसला है। मजेदार बात नहीं है कि हमें पहले से पता है कि यह फैसला क्या होगा? कल मेरे इनकम टैक्स के मुकदमे का फैसला था। कोर्ट रूम में मेरी टांगे थर थर कांप रही थी। अरे अपने शिव के गर्दन में तो पैडिंग लगानी पड़ेगी। अरे तभी तो जाके फांसी का पन्ना पिटाएगा। अबे शिव, तेरी गर्दन है कि डीएसएलआई? और भगत के लिए गड्ढा खोदना पड़ेगा। क्यों? तब कहीं जाके इसका कद टिक पाएगा। अरे भगत, तू आदमी है या कुतुब मीनार? हाँ बेटा, और अगर यही बात पंडित जी से कहते तो? नहीं, किसकी मजाल है जो इस माउजर के रहते पंडित के जिस्म को। मैं भी बहुत दिन नहीं जीऊंगा भगत, मगर तुम लोगों की याद बहुत आती है। कल मेरा छोटा पोता पंडित चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर को हाथ लगाकर पूछ रहा था कि हु इज दिस फनी नेकेड मैन ग्रैंडपा with such a huge mustache on his face. Is he a model or something like that? वो वक्त भी एक तथ्य था और ये वक्त भी एक तथ्य है, और तथ्य सिर्फ तथ्य होते हैं, उनमें तुलना नहीं होती। सरदार के मुकदमे के दौरान भगवती भाई बम बनाते हुए लाहौर में मारे गए। उनकी धर्म पत्नी हमारी अपनी दुर्गा भाभी आज गाजियाबाद में रहती है। किसको मालूम है, काकोरी केस के एकलौते चिराग डॉक्टर मनमथ नाथ गुप्ता निजामुद्दीन दिल्ली में रहते हैं। किसको मालूम है, और किसको मालूम है कि कानपुर में रहने वाले इस शिव वर्मा नाम के इंसान के हाथ उस इंसान के हाथ में थप थे जब वो अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहा था। अपने साथियों से मिलोगे? अरे शिव, जय देव। तुम्हारी फांसी के पहले हमें राजमहेंद्री जेल भेजा जा रहा है। विदा दोगे सरदार? साथ में एक सवार, तुम मरने जा रहे हो सरदार, दिल से बोलना, तुम्हें इस बात का अफसोस तो नहीं? अपना काला पानी भोगने के बाद जेल से निकल रहा, एक खूबसूरत सी लड़की से शादी कर, चार पांच गोल मटोल बच्चे पैदा करना और उनको सुनाया करना कि तुम्हारे ऐसे चाचा लोग भी थे। हम उस वक्त एकदम जिंदा हो जाया करेंगे। इसके अलावा 23 साल 5 महीने और 26 दिन के जिंदगी का इससे अधिक क्या मूल्य हो सकता? बस वक्त खत्म हुआ।
वाकई खत्म हो गया था। सुना था उसने आखिरी इच्छा के तौर पर लेनिन की जीवनी और रसगुल्लों का कुकर मंगवाया। मुझे याद है जब जेलर ने राजमहेंद्री जेल में यह खबर सुनाई तो मैं सीखचों से सर पटक के फूट फूट कर रोया था। दूसरे कमरे से जयदेव के सिसकियों की आवाज आ रही थी। सुना दंगा भड़कने के डर से उन्हें वक्त से 11 घंटे पहले शाम ढलते ही फांसी पर चढ़ा दिया गया था और उनकी लाशों को जेल की पिछली दीवार तोड़कर रातों रात फिरोजपुर रवाना कर दिया। वहां खौफ के मारे उन्हें अधजली हालत में सतलुज में फेंक दिया गया। आज भी वहां उनकी समाधि है। आजाद उनसे एक महीना पहले ही जा चुके थे। एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद की मुठभेड़। भटुकेश्वर दत्त ने भी 1965 में यही इच्छा की। मरने के बाद उन्हें भी उन तीनों के पास ही दफनाया। उनकी भी इच्छा पूरी हुई। कुंदन लाल 7 साल बाब शक्कर, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, विजय कुमार सिन्हा, कमलनाथ, गया प्रसाद, किशोरी लाल, आजन्म काला पारी। और 23 मार्च 1931 राजगुरु
रुकना मत, मुकाम तो बहुत आएंगे, अगर रुक गए तो थक जाओ। परसों के दिन विजय तेंदुलकर जी का पंछी ऐसे आते हैं का हिंदी अनुवाद, अशी पाखरे जी का हिंदी अनुवाद पंछी ऐसे आते हैं,
इसी जगह पर इसी समय। तो उम्मीद है कि रोज मुलाकात होगी और आप अपनी प्रेजेंस के साथ हमें हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे। और दो गौरी सीनियर्स हमारे बीच में है, एक तो रफीक शेख सर और एक तो परवेज खान सर, तो दोनों को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी। परवेज सर शाहरुख खान को एक्शन सिखा चुके हैं और वो बहुत सारी फिल्मों के लिए एक्शन डायरेक्शन करते हैं। और बहुत बड़े कवि हमारे बीच है, वाईके सिंह सर बीच में है, मैं सर को भी।